नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के या फिर एक ऐसे सेशन को लेकर के जिसे जानकर आप लोगों को काफी आनंद आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का सिलसिला है और चुनाव के इस सिलसिले में तमाम प्रकार की पार्टियां जिस प्रकार के प्रलोभन जनता को दे रही है, उन प्रलोभनों के मध्य में जनता का क्या रिएक्शन हो रहा है, जनता को कितना लाभ मिल रहा है इन तमाम प्रकार की योजनाओं से, इसका भी जवाब आप लोग देने का प्रयास करिएगा कि क्या आप लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। ठीक है, और फिलहाल आपके सामने जो मुद्दा है वो मुद्दा हमारे पास में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। भाई इतना तो हम लोगों ने सुना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना तो चल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना भी चल रहा है, लेकिन लाडली बहना आवास योजना ये सर क्या होता है? तो लाडली बहना आवास योजना का अर्थ ये हुआ कि जिन महिलाओं को, खासकर मध्य प्रदेश में जितनी महिलाएं जिनको लाडली बहना योजना यानी कि प्रारंभ से 1,000 रुपए दिए जा रहे थे, ठीक है, इसके बाद में 1,250 रुपए की राशि अब उनके खाते में जा रही है। और ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है, जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि आगे ये जो राशि है ये 1,250 से 1,500 भी होगी और 1,500 से 3,000 तक जाने वाली है। अब इन योजनाओं में कितना लाभ मिल रहा है ये तो मध्य प्रदेश की वो तमाम लाडली बहनाओं को पता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल चलो ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, आगे कितना होगा ये बात की बात है। लेकिन इसी के बीच में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी लॉन्च हुई थी, इसे हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है भाई। क्या योजना लॉन्च जरूर हुई थी, लेकिन इसमें यह भी डिक्लेयर नहीं किया गया कि कितने पैसे मिलेंगे घर बनाने के लिए, कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, उन्होंने लॉन्च कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या अभी तक इस पे कोई एक्शन हुआ है? क्या लाडली बहनों को आवास से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नजर आई है या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि हाँ ठीक है इतनों का नाम लिस्ट में आ गया है? नहीं आया, बट कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसी के एवज में भाई लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश में चल रही, लेकिन झारखंड में अब यही बात है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है लेकिन झारखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो चंपाई सोरेन है, लेकिन उनके पहले जो मुख्यमंत्री थे कहां पर? झारखंड में। नाम क्या उनका? सोरेन। कौन? हेमंत सोरेन, समझ लो। लेकिन अभी वर्तमान में जेल में है, ईडी लेके चली गई है। अब रीजन क्या है भाई? उन्होंने अभुआ आवास योजना स्टार्ट की थी। अभुआ आवास योजना कहां पर? झारखंड में लागू की थी। क्यों की थी? क्योंकि उनको भी वहां पर अपनी गवर्नमेंट फिर से लानी है तो कुछ तो प्रलोभन देने पड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रधानमंत्री योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है, ऐसे गरीब परिवारों को 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि उनके 3 कमरों के मकान बन सके। एटलीस्ट उन्होंने पेमेंट तक जारी कर दिया है भाई। वहां झारखंड की जो आबादी, झारखंड के जो गरीब परिवार है उनके अकाउंट में राशि भी रिलीज कर दी है भाई। क्यों की है? रीजन है क्योंकि तमाम जितने भी राज्य है, सभी राज्य की गवर्नमेंट्स वहां की जनता को कई प्रकार के प्रलोभन, कई प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, जो अभी नहीं है, तात्कालीन बोल सकते हो, वर्तमान में चंपाई सोरेन है, ठीक है, तो उनके द्वारा ये अब आवास योजना स्टार्ट की गई थी। तो यहां पर तो अमाउंट रिलीज कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1,250 रुपए की राशि में आप लोग संतुष्ट हो फिलहाल की स्थिति में, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। कितने? 1,250, और यहां पर 2,00,000 रुपए आवास के तहत दिए जा रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है, लेकिन इसके अंतर्गत अगर आप देखो तो काफी एक लॉन्ग टाइम के अंतराल में वो कुटिया मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुटिया, और अमाउंट आता है। उस अमाउंट में क्या आप लोग शांतिपूर्वक एक, मतलब आप बोल सकते हो कि एक विदाउट एनी टेंशन एक प्रॉपर तरीके से ऐसा घर बना सकते हो जिसमें आप ये सोच के रहो कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको आपकी जेब भी थोड़ी सी ढीली करनी पड़ेगी, वहां से भी आपको पेमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और योजनाओं की बात करें भाई, मध्य प्रदेश आवास योजना आप लोगों ने देख ली है, लेकिन कितना सक्सेस हुआ है, कहां तक की प्रोसेस चली है, इसके बारे में अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन झारखंड में आप लोग देख सकते हो कि लिस्ट भी उन लोगों ने जारी कर दी है। इसी प्रकार से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में किसे प्रॉफिट होगा, तो बात यहां पर क्लियरली नजर आती है कि केवल उन्हीं महिलाओं को ये प्रॉफिट होगा जो कि लाडली बहना योजना से जुड़े हैं, जिनका पंजीकरण किया हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार के MIS पोर्टल पर जिनके नाम पंजीकरण में छूट गए हैं,
ठीक है, और 2011 की जनगणना में जिनका आवास प्लस की सूची में छूटे हैं, साथ में जिनके घर पे चार पहिया वाहन ना हो, इसके अलावा उनके यहां पर कोई शासकीय सेवक ना हो, ये तमाम प्रकार की कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, जिसके तहत अगर ये सारी एक्टिविटी में वो आते हैं, इन सभी रूल्स में वो आते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि भाई यहां पर आप देख सकते हो 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना, इसके अलावा केजी फर्स्ट से लेकर के आपका जो डिग्री है, ठीक है भाई, केजी फर्स्ट से लेकर के अगर आप देखोगे केजी फर्स्ट से केजी या पीजी तक पूरा एकदम एजुकेशन आपका फ्री होगा, साथ में 450 में गैस सिलेंडर, और लाडली लक्ष्मियों को 21 वर्ष होने पर उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये योजनाएं भी यहां पर स्टार्टिंग में चल रही है। अब बात क्या आती है, सर योजनाएं तो चलेगी चलेगी, क्यों चलेगी, रीजन है ना, इलेक्शंस है भाई, जनता के लिए आप कितना कर रहे हो, क्या वाकई में आपको इन तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाभ के चक्कर में हमारा राज्य कर्जे में डूब रहा है। इन बातों को भी याद रखना, अगर राज्य कर्ज में डूबेगा तो सामान महंगाई बढ़ेगी, और उसी महंगाई के माध्यम से आपको जो राज्य से पैसा आप लोग ले रहे हो उसे लौटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोग समझ लेना अभी से। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग आगे बात करें तो इन तमाम योजनाओं में भाई साहब, इन तमाम योजनाओं में कई प्रकार के राज्य हैं जो कि और भी योजनाओं का लाभ वहां की जनता को दिए जा रहे, जैसे कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश अभी चल रहा 1250 रुपए, साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जिसके अंतर्गत 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल की अगर आप बात मानो या बात आपको पता हो तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि अभी ईडी की गिरफ्त में थे और अब जाकर इन्हें जेल में पहुंचा दिया गया है, लेकिन वहां की जनता से जब पूछा गया कि अब आपके मुख्यमंत्री का क्या करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से गवर्नमेंट चलानी चाहिए, तो वहां की जनता क्या कहती है कि गवर्नमेंट जेल से चलाओ। रीजन, हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल बनवाए, 1000 रुपए वहां की महिलाओं को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल एंड एजुकेशन पर इन्होंने जो काम किया है वो तारीफ काबिल है। यहां पर किसी पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है उसे हमें और आप सबको देखने की आवश्यकता है, हमें और आप सबको देखने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो ये अभी वर्तमान में वहां पर 1000 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं। साथ में कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, कांग्रेस हालांकि कुछ स्टेट में सत्ता में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जिस भी स्टेट में जाएगी वहां पर एक बात होती कि भाई हम आप लोगों को 2000 रुपए प्रतिमा देंगे, अगर बीजेपी 1200-1500 देगी तो हम 2000 रुपए प्रतिमा देंगे, तो ये कांग्रेस भी दावा कर रही है। और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमा वहां की महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं, क्योंकि सभी को पता है कि महिलाएं कुछ भी छोटा मोटा काम करते, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ठीक अच्छी बात है कि आप इतना प्रॉफिट दे रहे हो, ठीक है, बस मेरा मानना यह है कि क्या इस प्रॉफिट से हम खुश हैं या कितने खुश हैं, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे बच्चों पर नहीं पड़ेगा। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और बाकी फैसिलिटीज की जो हमें वर्तमान में नीड है, क्या उस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, पर जितना पैसा ये बल्क क्वांटिटी में आप सभी को प्रति पर मंथ अगर दे रहे हैं, अगर उस पैसे का यूटिलाइज स्कूल्स पे किया जाए, गवर्नमेंट स्कूल्स पे किया जाए, वहां के मैनेजमेंट पे किया जाए, तो क्या आपके बच्चे एक अच्छा स्ट्रांगली एजुकेटेड पर्सन बन करके क्या आपको इससे ज्यादा पैसे कमा करके नहीं दे सकते। तो ये तमाम बातें निकल करके आती है, बट फिलहाल जो योजनाएं, जिन योजनाओं के तहत आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छी बात है, बट फिर भी राष्ट्र के विकास में एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है, एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि उस एजुकेशन के माध्यम से ही आपके बच्चों के विचारों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, उन विचारों के माध्यम से ही वो आपके घर, आपके मोहल्ले, आपके समाज, आपके जिले, आपके राज्य और राष्ट्र के विकास में सहयोग करेगा। ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि भाई योजनाएं तमाम प्रकार की आएगी, क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने ये भी देखा है कि इलेक्शन टाइम में आपके ग्रामीण के आसपास कई ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको पैसे, ये लो आने जाने का किराया, लेकिन वोट यही पर डालना, जो कभी नहीं आए होंगे। हम लोगों ने ये तक देखा है कि कई ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मोहल्ले होते हैं जहां पर अगर पंच सरपंच का चुनाव भी होता है ना, तो वहां पर स्पेशल बात हो जाती है कि भाई साहब सरपंच का चुनाव है, 2 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे, ये सामान हमें चाहिए, ये भवन आप बनवा के दो, और वो बना के देते भी। जो बंदा अपनी जेब से पैसे से भवन बनवा के दे रहा है उसको अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है,
तो रीजन क्या होता है? अब जो पैसा उन्हें लगाया है वो पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से या फिर आप लोगों से, जो टैक्स गवर्नमेंट को आपने दिया है वहीं से प्रॉफिट लेगा, समझ रहे हो? तो ये तमाम प्रकार की बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की योजनाओं में या इस प्रकार की योजनाओं के लुभावन में आ जाते हैं, ठीक है, जिसका असर आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके और हमारे बच्चों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो योजनाएं आएगी जाएगी, लेकिन हमें हमेशा एक होकर उस बुराई के खिलाफ या फिर उस अंधविश्वास के खिलाफ, उस बुराई के खिलाफ हमें लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आगे वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, तो बने रहिएगा इसी प्रकार से दीप्ति सिंह एकेडमी पर। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।